वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक की बात किया तो 33.8 पे क्लोजिंग दे चुका है, या फिर देख सकते कि फ्राइडे के दिन में 1.60% की गिरावट भी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे जो सभी को पता होने चाहिए। IDFC बैंक के मार्केट कैप 20,989 करोड़ की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो स्टॉक का पी रेशियो है 159 का है, बुक वैल्यू 28.8 का है और यहाँ पे डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा है स्टॉक। ROC 5% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 0.74% की है। तो देखा जाए तो यहाँ पे फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो टोटल लोन है 1,34,000 करोड़ का टोटल लोन है। नेट प्रॉफिट 132 करोड़ का है। EPS है 0.21 का। तो सेल्स की बात किया तो 17,000 करोड़ के सेल्स हो चुके थे इस साल में। उसके यहाँ पे सेल्स के दौरान यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है। टोटल एसेट 1,63,000 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही कम है, 36.5% की। एक साल में भी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर तकरीबन 37% से ज्यादा। तो बाकी के डिटेल पे नजर डाली जाए जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 1.70 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर, जो कि अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। पर कॉन्स की बात किया तो देख सकते कि कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि दो कंपनी यहाँ पे रिफरेड प्रॉफिट दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते कि कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं दे रहे, जो कि है कि यहाँ पे आप देख सकते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ही लो है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों से भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, यानी कि एवरेजली माइनस में ही है। कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटी 2,13,000 करोड़ के है। अर्निंग इंक्लूड एंड आधा इनकम, आधा इनकम 3,000 करोड़ के ऊपर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते कंपनी के इनकम से ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में कम हो चुके हैं 3.51% की। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक के लिए।